हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज मेरी वीडियो में। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। तो यार चलो, सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी है तो उसकी बात मीडिया तक आ गई, लेकिन यार उन लोगों का क्या जो डेली बेसिस पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, चिंता से लड़ रहे हैं डेली बेसिस पे, वो लोग कहाँ जाएँ? ऐसे हमारे आसपास इतने लाखों लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो डेली बेसिस पे डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। उनको करियर की टेंशन है, रिलेशनशिप्स की टेंशन है, अपनी हेल्थ की टेंशन है, लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ की चिंता है, इस चीज़ का डर है, पैसे ना कहीं मेरे डूब जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, 10 तरीके के अलग अलग चिंताएं हैं, डर हैं। ऐसे लोगों की कौन मदद करेगा? आप ऐसे लोगों को कोई दवाई भी नहीं ला के दे सकते कि जो दवाई ले ले और उनका एकदम से जो फियर है, एंग्जाइटी है, वरीज हैं, वो ठीक हो जाए। तो ऐसे लोगों का कौन मदद करेगा जो डेली बेसिस पे इन चीज़ों से सर्वाइव कर रहे हैं? और फिर बात पहुंच जाती है चलते 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 सुसाइड तक। तो यार प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में क्या है ना, कि हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों के बारे में ना कोई बात नहीं करता। एक टैबू है हमारी सोसाइटी में कि भाई इस बंदा डिप्रेस है, इसको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, तो उसके बारे में ना हम नेगेटिवली सोचने शुरू कर देते हैं। जबकि अगर किसी इंसान को बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तो वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन हम दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। तो हमारी सोसाइटी की मेन प्रॉब्लम यह है कि हम ये चिंता, डर, इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात ही नहीं कर पाते। हम इसकी जिसकी बच्चों को काउंसलिंग ही नहीं प्रोवाइड कर पाते। अभी मेरे पीजी में ही 2 साल पहले एक बच्चा रहता था जिसने सुसाइड नोट लिख रखा था अपने घर वालों को कि यार मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया तो मुझे माफ़ कर देना। तो यार मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों की कौन मदद करेगा? अगर हम लोग आगे आके नहीं अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, ऐसे लोगों को नहीं मदद करेंगे, ऐसे लोगों को नहीं समझेंगे, तो वो लोग जाएँ तो जाए कहाँ? वो अपने टीचर्स के पास जा नहीं सकते क्योंकि वो उनको उस तरीके से समझते नहीं जिस तरीके से वो समझना चाहते हैं। पेरेंट्स से बच्चे बात करते नहीं क्योंकि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में आजकल कम्युनिकेशन गैप है। दोस्तों के पास जाएंगे तो गलत सलाह मिलती है, तो बच्चे जाए तो जाए कहाँ? तो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं, अपने इमोशंस को अपने अगेंस्ट नेगेटिवली यूज़ करते हैं, और फिर सुसाइड, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे को हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। लोग सोचते हैं यार हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे तो सामने वाले को रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कितना अच्छा इंसान था, उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत सोच है मेरे हिसाब से। तो आप क्या सोचते हो ज़रा मेरे को भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या वरीज़ हैं, आपके क्या फियर्स हैं, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, या फिर आप किसे शेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक हम सबको एक आगे स्टेप लेना चाहिए, अपनी सोसाइटी के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों लोगों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, लोनलीनेस से लड़ना चाहिए। एक ड्रीम गर्ल मूवी आई थी, उसमें वो आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छा कंसेप्ट निकाला था मूवी में, बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। यहाँ पे वो लोनलीनेस के बारे में बताते हैं कि आजकल लोग कितने अकेले हैं, फेसबुक पे हज़ार हज़ार फ्रेंड्स हैं लेकिन रियल लाइफ में एक भी रियल फ्रेंड नहीं है, और ये बात सच भी है। तो हमारे को इतनी सारी टेंशनें हैं और हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो ऑब्वियसली यार इंसान कमज़ोर ही पड़ जाएगा। वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो इसलिए आई थिंक हमारे को सोसाइटी में एक कदम बढ़ाना चाहिए और अपनी सोसाइटी में आसपास लोगों को जानना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, और लोगों से बात करनी चाहिए, अपने सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, अपने आसपास लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, ये जानना चाहिए कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। मेरे को भी करनी चाहिए, मैं भी कम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भी कम हूँ, लेकिन मुझे भी इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करनी है डेफिनेटली, और हम सबको आई थिंक इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आज जो सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ है केस, वो आई एम वेरी शॉक्ड एंड आई एम वेरी डिप्रेस्ड कि ये मतलब आई एम लिटरली शॉक कि यार मतलब ये कैसे पूरा जिस इंसान का करियर पड़ा है, सक्सेस पड़ी है, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, वो इंसान इतनी जल्दी सुसाइड कैसे कर सकता है? मतलब मेरे तो सोच से ही परे है ये बात। और ऐसे ही हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ से गुजर रहे हैं, पर वो किसी को बता नहीं सकते कि लोग क्या सोचेंगे, मजाक उड़ेगा ये वो, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और जाते जाते अगर आप इस चीज़ से किसी चीज़ से गुजर रहे हो ना, तो एक बात बोलना चाहूँगा, नेवर लेट योर फियर्स मेक योर डिसीजंस, यू मेक देम। तो कभी भी आपके मन में ये डर आए कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा मजाक बनेगा अगर मैं इस चीज़ के बारे में खुल के बात करूँगा, तो अपने डरों का फैसला मत लेने देना, बिकॉज वो आपके अगेंस्ट काम करेंगे। तो नेवर लेट योर फियर्स मेक योर डिसीजंस, यू मेक देम। सो मैंने आज कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी, मेरे दिल में जो आया वो मैंने बोल दिया, आई डोंट नो मैंने सही बोला गलत बोला, पर जो भी है वो बोल दिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।